हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 3 प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन, जो कि सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्राइसिंग मेन गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाई एस्टेब्लिशिंग प्राइस दैट जनरेट enough revenue to pay cost and protect the appropriate profit margin। Pricing का जो objectives होते हैं उसमें सबसे main है maximize profit। किस तरीके से हम अपना profit maximize करें? Pricing जो है generally जो है generate होगी enough revenue to pay cost। जो pricing हम रखें वो कम से कम इतनी तो हो कि जो हमारा expense हो रहा है उसकी कॉस्ट हमारी निकल लिया है और हम प्रोड्यूस करें appropriate profit margin। Market share growth। Some companies could place a higher priority on expanding their market share than on making quick money। They might cut their rate to draw client and their market reach। Market share growth में क्या होता है, कुछ कंपनी जो है उनका जो प्रायोरिटी होती है जल्दी से जल्दी मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर करना होता है, तो इसलिए जो है वो अपना प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, मार्जिन कम रखते हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में वो अपनी रीच कर सकें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइसिंग कैन बी केयरफुली अप्लाइड टू इंक्रीज रेवेन्यू। दिस इंक्लूड्स यूजिंग डायनामिक प्राइसिंग टेक्निक दैट चेंज प्राइसेस इन रेस्पॉन्स टू डिमांड एंड अदर वेरिएबल और सेटिंग डिफरेंट रेट फॉर वेरियस मार्केट सेगमेंट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइसिंग जो है वो केयरफुली अप्लाइड हो, किस लिए? इंक्रीज करने के लिए रेवेन्यू। इसमें इंक्लूड होता है डायनामिक प्राइसिंग टेक्निक, जो कि चेंज करती है प्राइस को इन रेस्पॉन्स टू डिमांड। जिस तरीके से हमारी डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस चेंज होता है, और अदर वेरिएबल और सेटिंग डिफरेंट रेट फॉर वेरियस मार्केट सेगमेंट। अलग अलग मार्केट सेगमेंट के लिए अलग अलग डिफरेंट रेट सेट करे जाते हैं, जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। पोजिशनिंग फॉर कंपटीशन। प्राइसिंग कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश ए कंपनी पोजीशन इन रेफरेंस टू रिवाइवर। प्राइस कैन बी इंक्रीज्ड टू सजेस्ट प्रीमियम क्वालिटी और डिक्रीज टू सजेस्ट द प्रोडक्ट इज मोर अफोर्डेबल ऑप्शन। प्राइसिंग का जो है ऑब्जेक्टिव हर एक अलग अलग तरीके से है। अगर प्राइस आप हाई रखेंगे तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम क्वालिटी का है, और आप जब अपने प्राइस को डाउन रखते हैं, कम प्राइस का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आप उसमें शो करना चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल ऑप्शन में आता है। जो आपका हायर प्रीमियम क्वालिटी वाला सामान होगा, आप इसको शो करना चाहते हैं कि हमारा महंगा सामान है तो ये प्रीमियम क्वालिटी का सामान है, उसमें ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं एज कम्पेयर टू अफोर्डेबल ऑप्शन, क्योंकि अफोर्डेबल ऑप्शन में जो है कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है और इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कम रखा जाता है। Differentiation of product। Pricing can aid in the market differentiation of a good or service। Pricing that is higher can convey exclusivity and quality, while pricing that lower can appear to consumer who are on the tight budget। जो हमारी price होती है वो जो है बहुत important role play करती है। जैसे कि अगर आपका जो है कोई भी सामान है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो आप उसमें convey करना चाहते हैं exclusive, और उसकी जो क्वालिटी है वो हाई प्रीमियम क्वालिटी है, और जब आपका प्राइस लो होगा प्रोडक्ट का, वो आप शो करना चाहते हैं कंज्यूमर को कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बजट फ्रेंडली है और जिनका टाइट बजट है वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, इस तरीके का हमने प्रोडक्ट बनाया है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। प्राइसिंग को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? नंबर वन है इसमें कॉस्ट, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन, कस्टमर डिमांड, मार्केट कंडीशन एंड ब्रांड इमेज एंड पोजिशनिंग। अब इन पांचों पॉइंटों को हम डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग को। नंबर वन, कॉस्ट। प्राइसिंग इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वाइल इंक्लूड लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड। ए कंपनी मस्ट प्रोवाइड ए रेस्पेक्टेबल प्रॉफिट मार्जिन वाइल कवरिंग कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग में। जो कॉस्ट हमारी रखी जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो ध्यान में रख कर होती है कि जो रॉ मटेरियल है या हमारा ओवरहेड कॉस्ट हुई, उन सभी को वो कवर कर सके और हमारा जो मार्जिन है
प्रॉफिट मार्जिन उसको भी वो कवर कर सके। नेक्स्ट है इसमें कॉम्पिटिशन। प्राइसिंग डिसीजन आर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जो हमारा प्राइसिंग डिसीजन है, किसी भी प्रोडक्ट का हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए भी करते हैं। किस लिए? क्योंकि अगर हमारा कॉम्पिटिशन कम है किसी एरिया में तो हम जो है उस चीज में प्राइस अपना हाई रख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए कॉम्पिटिशन वाला और कोई प्रोडक्ट नहीं है। बट जिस प्रोडक्ट में हमारे में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और जिन्हें कम प्राइस में वही सामान प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमें भी अपना प्राइस जो है प्रोडक्ट का कम रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसलिए कॉम्पिटिशन जो है इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग को। कस्टमर डिमांड। इट इज क्रूशियल टू कॉम्प्रिहेंड क्लाइंट प्रेफरेंस वांट एंड रेडीनेस टू स्पेंड। प्राइसिंग कुड बी इन लाइन विद व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट एंड हाउ वैल्यूएबल दे थिंक एंड गुड और सर्विसेज। जो कस्टमर की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइसिंग में। जो हमारे कस्टमर है वो किस तरीके का है, क्या वो जो है चाहता है जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसको खरीदना, कितनी उसकी विलिंगनेस है बाय करने की, रेडीनेस टू स्पेंड वो कितना स्पेंड करने के लिए तैयार है, ये सभी फैक्टर्स जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग को। नेक्स्ट है इसमें मार्केट कंडीशन। प्राइसिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्लूडिंग सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट सेचुरेशन, मॉनेटरी कंडीशन एंड इंडस्ट्री ट्रेंड। जो प्राइसिंग है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय नंबर ऑफ वेरिएबल। बहुत सारे वेरिएबल्स है, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड हुआ हमारा, मार्केट का स्ट्रक्चर हुआ, मॉनेटरी कंडीशन हुई या इंडस्ट्री का ट्रेंड हुआ। प्राइस इंक्रीजेस मे बी पॉसिबल ड्यू टू स्केयरसिटी और हाई डिमांड, बट प्राइस डिक्रीज मे रिजल्ट फ्रॉम ओवर सप्लाई। जो हमारी डिमांड है उसकी वजह से जो है हमारे जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है हाई हो जाता है, क्योंकि हाई डिमांड है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई रेट में भी सेल होगा। अगर जो है हमारा प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, प्रोडक्ट का उसकी ओवर सप्लाई है, सप्लाई ज़्यादा है और सेल कम है, तो इसलिए उस कंडीशन में जो है प्राइस जो है डाउन हो सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ब्रांड इमेज एंड पोजिशनिंग। द ब्रांड इमेज, रेपुटेशन एंड पोजिशनिंग इन द मार्केट कैन इम्पैक्ट प्राइजिंग। जो ब्रांड की इमेज है, रेपुटेशन है मार्केट में या उसकी पोजिशन है, वो भी जो है इम्पैक्ट डालती है प्राइसिंग पर। एस्टेब्लिश्ड ब्रांड विद ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन मे बी एबल टू कमांड हायर प्राइस। कोई कंपनी है जो एस्टेब्लिश है काफ़ी अच्छे तरीके से, उसकी अच्छी रेपुटेशन है, तो वो जो है उस पर कमांड करती है हायर प्राइसेस पर। वो जो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेगी वो ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेगी, वो महंगे प्रोडक्ट ही लॉन्च करेगी, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है और उसकी जो है मार्केट शेयर ज़्यादा है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग को। टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के टाइप्स। नंबर वन, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मार्कअप फ्रॉम प्रॉफिट। दिस कैन इंक्लूड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग और टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिशन एंड कस्टमर डिमांड। जो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग होगी उसमें आप जो है सेट करेंगे प्राइस को किसके बेसिस पर, मार्केट की कंडीशन पर, कॉम्पिटिशन कैसा है और कस्टमर की क्या डिमांड है और कितनी डिमांड है, उसके बेसिस पर प्राइसिंग, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग सेट होती है। दिस इंक्लूड प्राइसिंग एट पर विद कॉम्पिटिटर, प्राइसिंग बिलो कॉम्पिटिशन और प्राइसिंग एवब कॉम्पिटिटर। आप जो है किस तरीके का प्राइस रखना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, उससे कम, उससे ज़्यादा, किस तरीके का, उसके बेसिस पर मार्केट बेस्ड प्राइसिंग में डिसाइड होता है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। दिस स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन कैप्चरिंग ए फेयर शेयर ऑफ द वैल्यू डिलीवर्ड टू कस्टमर। जो हमारा सेट करा जाता है प्राइस वो किसके बेस पर होता है? वो परसीव्ड वैल्यू के बेस पर होता है प्रोडक्ट की और जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है कस्टमर को। ये जो स्ट्रेटजी है फोकस होती है कैप्चरिंग ए फेयर शेयर ऑफ द वैल्यू डिलीवर्ड टू कस्टमर। जो ये जो स्ट्रेटजी होती है इसका फोकस होता है कैप्चर करना फेयर शेयर, ज़्यादा जो है आप चार्ज ना लें, फेयर चार्ज लें जो आपने वैल्यू डिलीवर्ड करी है कस्टमर को, इसी को कहते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट है डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग क्या होती है? एडजस्टिंग प्राइस इन रियल टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर सच एज डिमांड, टाइम ऑफ परचेज, कस्टमर सेगमेंटेशन
और मार्केट कंडीशन। एडजस्ट करना प्राइस को रियल टाइम बेसिस पर वेरियस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि डिमांड क्या है हमारी, टाइम ऑफ परचेज, कस्टमर सेगमेंटेशन और मार्केट कंडीशन। दिस स्ट्रेटजी अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। ये जो स्ट्रेटजी है अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग क्या होता है? जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि बंडल प्राइसिंग, इसमें जो है कॉम्बिनेशन होता है ऑफ गुड्स और सर्विसेज का एट लोअर कॉस्ट देन परचेजिंग देम सेपरेटली। अगर आप किसी भी चीज़ को सेपरेट परचेज करेंगे, उसके कंपैरिजन में आप साथ में जो बंडल उन्होंने बना रखा है उसको परचेज करेंगे तो वो कम का होगा। इसी ये जो टैक्टिक है ये बूस्ट करने के लिए होती है सेल को, वाइल गिविंग कस्टमर समथिंग ऑफ वैल्यू, जिससे कि हमारी सेल इंक्रीज हो जाए और जो कस्टमर है उसको लगे कि कुछ हमें वैल्यू मिली है और उसमें हम अपना जो है जो प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ होता है और जो हमारा सेलिंग प्रोडक्ट होता है उसके साथ में हम कंबाइन कर देते हैं, जिससे कि लोगों को उस प्रोडक्ट के न्यू प्रोडक्ट के बारे में पता पड़ता है और हमारी जो है बिना ज़्यादा एडवर्टाइज के हमारी उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो जाती है और जो हमारा प्रोडक्ट हैं दोनों चीज़ उनकी सेल भी बढ़ जाती है। इसी को बंडल प्राइसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है? बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन ऑफ वैल्यू फॉर सेटिंग प्राइसेस। ये बेस्ड होता है साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन ऑफ वैल्यू पर सेट करने के लिए प्राइसेस को। जैसे कि आपके जो है कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस है $9.99, तो आपको लगेगा कि $9 का ही है, बट जो एक्चुअल में आगे देखेंगे तो 0.01 का इंक्रीज होने के बाद वो $10 होगा, बट हमें लग रहा है कि 9 है, इसीलिए जो है सिंगल डिजिट नंबर पर रखा जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सामान 99 रुपीस का है और 100 रुपीस का है तो आप जो है पहले प्रेफर करते हैं 99 वाले को, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल है कि 2 डिजिट नंबर हो गए और 100 जाते ही वो 3 डिजिट नंबर में चेंज हो जाता है, बट डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ 1 रुपये का अंतर है और ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होता है। जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस को इस तरीके से रखा जाता है कि जो हमारा बायर है, कंज्यूमर है, उसको ये लगे कि ये सिर्फ हमारा 99 का है या हमारा ये 49 का है, 49 रखा जाता है, डायरेक्ट 50 नहीं रखा जाता है, इसीलिए साइकोलॉजी के साथ जो है ये अकॉर्डिंग प्राइसिंग रखी जाती है। इसी को साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहा जाता है। प्रमोशनल प्राइसिंग। टेम्पररी रिड्यूसिंग प्राइस टू स्टिमुलेट डिमांड, अट्रैक्ट कस्टमर और क्लियर इन्वेंट। प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होती है? ये टेम्पररी होती है, रिड्यूस करा जाता है प्राइस को, जिससे कि हमारी डिमांड इंक्रीज हो, अट्रैक्ट हो नए कस्टमर और जो हमारा पुराना जो है प्रोडक्शन है, सामान बना हुआ है, वो क्लियर हो सके। दिस कैन इंक्लूड डिस्काउंट, कूपन, सीजनल सेल और लिमिटेड टाइम ऑफर। ये किस तरीके से होता है? ये होता है, इंक्लूड होता है इसमें डिस्काउंट हुआ, कूपन से अप्लाई करने वाले ऑप्शन हुए, सीजनल सेल हुई या लिमिटेड टाइम ऑफर निकाले, तो उसमें जो है हमारा जो हमारा स्टॉक होता है वो क्लियर हो जाता है और उसकी वजह से हमारे अट्रैक्ट होते हैं नए कस्टमर, उनको लगता है कि सामान जो है बहुत सस्ते में मिल रहा है और उसकी वजह से हम जो है अपने जो है कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं और हमारा जो स्टॉक होता है उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। यही होती है प्रमोशनल प्राइसिंग। नेगोशिएशन इन सोर्सिंग। नेगोशिएशन इन सोर्सिंग क्या होता है? नेगोशिएशन इन सोर्सिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीचिंग म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट बिटवीन ए बायर एंड ए सप्लायर रिगार्डिंग द टर्म, कंडीशन एंड प्राइसिंग ऑफ ए प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएशन इन सोर्सिंग जो है रेफर्स होती है किसको? प्रोसेस को ऑफ रीचिंग म्यूचुअल बेनिफिशियल, दोनों जनों के म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट को, बिटवीन बायर एंड सप्लायर रिगार्डिंग उनकी टर्म एंड कंडीशन, प्राइसिंग और प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन इज ए डायलॉग और डिस्कशन बिटवीन पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ए बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द गोल ऑफ रीचिंग ए म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। नेगोशिएशन जो है डायलॉग और डिस्कशन होता है बिटवीन पार्टीज जो कि इन्वॉल्व होती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में विद द गोल ऑफ रीचिंग म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। इन सोर्सिंग नेगोशिएशन टिपिकली इन्वॉल्व बायर एंड सप्लायर इंगेजिंग इन डिस्कशन टू डिटरमाइन टर्म एंड कंडीशन दैट मीट देयर रेस्पेक्टिव नीड एंड ऑब्जेक्टिव। सोर्सिंग में जो है नेगोशिएशन जो है टिपिकली इन्वॉल्व करती है
बायर और सप्लायर को इंगेजिंग इन डिस्कशन, डिस्कशन में इंगेज करती है किस लिए, टू डिटरमाइन टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो कि मीट कर सकें उनकी रेस्पेक्टिव नीड और ऑब्जेक्टिव्स को। प्राइस नेगोशिएशन, प्राइस नेगोशिएशन क्या होता है, बायर एंड सप्लायर नेगोशिएट द प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज टू बी प्रोक्योर्ड। जो बायर है और सप्लायर है वो नेगोशिएट करते हैं किसी भी गुड और सर्विस के प्राइस के लिए। जो हमारा बायर है वो चाहेगा कि हम जो है कम से कम प्राइस में इस सर्विस को या गुड को बाई कर सकें, और जो हमारा सप्लायर है वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के साथ अपना ये प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकूं। नेक्स्ट है इसमें कॉन्ट्रैक्ट टर्म नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में इन्वॉल्व रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन वेरियस कॉन्ट्रैक्टुअल टर्म इंक्लूडिंग डिलीवरी शेड्यूल, पेमेंट टर्म, वारंटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइबिलिटी प्रोविजन एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट टर्म नेगोशिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म नेगोशिएशन में जो है एग्रीमेंट होता है, जैसे कि नेगोशिएट करना डिलीवरी शेड्यूल के बारे में या पेमेंट टर्म किस तरीके से करना है, आप कितने साल की वारंटी देंगे और लायबिलिटी क्या होगी और सर्विस लेवल एग्रीमेंट वगैरह, इन सभी चीज़ों पर जो नेगोशिएशन होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट टर्म नेगोशिएशन कहा जाता है। क्वांटिटी और वॉल्यूम नेगोशिएशन, क्वांटिटी और वॉल्यूम नेगोशिएशन क्या होता है, बायर एंड सप्लायर में नेगोशिएट द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ गुड और सर्विस टू बी प्रोक्योर। जब बायर और सप्लायर जो है दोनों नेगोशिएट करते हैं क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ गुड और सर्विसेज के लिए जो भी होता है उसको क्वांटिटी वॉल्यूम नेगोशिएशन कहा जाता है। जब हमारा बायर कहता है कि मुझको इस प्रोडक्ट के साथ में आप प्राइस मत कम करिए, मुझको इस ये प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंटली चाहिए, बट जो हमारा सेलर है वो उसको नहीं मानना चाहता, इसी जो डिस्कशन होता है इसी डिस्कशन को जो है क्वांटिटी और वॉल्यूम नेगोशिएशन कहा जाता है। क्वालिटी नेगोशिएशन, क्वालिटी नेगोशिएशन क्या होता है, नेगोशिएशन कैन इंक्लूड डिस्कशन ऑन क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस एंड एनी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड टू बी मीट बाय द सप्लायर। क्वालिटी नेगोशिएशन में जो है इंक्लूड होता है डिस्कशन ऑन क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन पर जो डिस्कशन होता है वो इंक्लूड होता है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस हुआ और एनी अदर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड टू बी मीट बाय द सप्लायर। नेगोशिएशन ऑफ लीड टाइम, लीड टाइम फॉर प्रोडक्शन डिलीवरी एंड इम्प्लीमेंटेशन कैन बी नेगोशिएटेड टू एंश्योर दे अलाइन विद द बायर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन इन सोर्सिंग, नेगोशिएशन के टाइप्स इन सोर्सिंग में कौन कौन से हैं। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटेटिव और विन लॉस नेगोशिएशन। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन होता है उसको जो है कॉम्पिटेटिव और विन लॉस नेगोशिएशन के नाम से भी जाना जाता है। दिस टाइप इन्वॉल्व पार्टीज विद कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर गेन एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी। इट ऑफेंस फोकसेस ऑन प्राइस नेगोशिएशन एंड टिपिकली इन्वॉल्व लिमिटेड और नो कोलेबरेशन। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन होता है इसमें सीधे सीधे विन और लॉस नेगोशिएशन वाली कंडीशन होती है। अगर आप इस प्राइस पे मुझे ये प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। और सेलर कहेगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है, 99 में हम ये सेल कर रहे हैं, अगर आपको 99 में लेना है तो आप लीजिए, हमारी तरफ से और डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये जो नेगोशिएशन होता है ये विन एंड लॉस नेगोशिएशन होता है। इसमें या तो सेलर प्राइस कम करेगा या जो हमारा बायर है वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। अगर उसने प्राइस कम नहीं करा और प्रोडक्ट नहीं खरीदा गया तो ये नेगोशिएशन को ही डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन कहा जाता है। इसमें जो है कैंसिलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और दोनों पार्टीज जो हैं झुकने को तैयार नहीं होती हैं। इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन ऑल्सो नोन एज कोलेबरेटिव और विन विन नेगोशिएशन। इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन जो है विन विन नेगोशिएशन और कोलेबरेटिव नेगोशिएशन के नाम से भी जाना जाता है। दिस अप्रोच एम टू फाइंड म्यूचुअल बेनिफिट सॉल्यूशन दैट मीट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्ट। इट इन्वॉल्व ओपन कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फोकस ऑन क्रिएटिंग
वैल्यू फॉर बोथ द बायर एंड द सप्लायर। ये जो नेगोशिएशन होता है इसमें दोनों जो है विन विन नेगोशिएशन वाली कंडीशन है। बायर और सप्लायर जो है दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं। जो हमारा सेलर है वो प्राइस अपना थोड़ा कम करता है और जो हमारा बायर है वो जो प्राइस कह रहा होता है वो उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है और दोनों एक ही कंडीशन जो है मान ली जाती हैं। इसी नेगोशिएशन को इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन और विन विन नेगोशिएशन भी कहा जाता है। मल्टी पार्टी नेगोशिएशन। मल्टी पार्टी नेगोशिएशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ नेगोशिएशन इन्वॉल्व मोर देन टू पार्टीज विद डाइवर्स इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव। इसमें जो है दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं विद डाइवर्स इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर एडिशनल एफर्ट टू मैनेज मल्टीपल रिलेशनशिप एंड रीच एग्रीमेंट दैट सेटिस्फाई ऑल पार्टीज इन्वॉल्वमेंट। ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स और होता है और रिक्वायर्ड होती है इसके लिए एडिशनल एफर्ट की। किस लिए? मैनेज करने के लिए मल्टीपल रिलेशनशिप को और जिससे कि हम पहुंच सकें एग्रीमेंट पर जो कि सेटिस्फाई करे सभी पार्टीज जो कि इन्वॉल्व्ड हैं। इसी को मल्टी पार्टी नेगोशिएशन कहा जाता है। क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन। व्हेन नेगोशिएटिंग विद सप्लायर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर कल्चरल डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग अप्रोच। अडेप्टिंग टू कल्चर कैन एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस। अगर जो आपका सप्लायर है वो डिफरेंट कल्चर से है तो उसको जो है दिक्कत होती है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी, रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी ज़्यादा दिक्कत होगी अगर वो सेम कल्चर से नहीं है। नेगोशिएशन में भी दिक्कत करता है। अगर वो अडेप्ट कर देता है कल्चर को जिस कल्चर में वो वर्क करता है तो उसको जो है एनहेंस कर अपना काम करने में आसानी होगी और इफेक्टिवनेस ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस उसकी एनहेंस होगी। नेक्स्ट है हमारा टीम बेस्ड नेगोशिएशन। टीम बेस्ड नेगोशिएशन क्या होता है? इन सम सोर्सिंग नेगोशिएशन ए टीम फ्रॉम द बायर साइड में इंगेज विद ए टीम फ्रॉम द सप्लायर साइड। दिस अलाउ फॉर ए बॉर्डर रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज पर्सपेक्टिव एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ ब्राउट इन टू द नेगोशिएशन प्रोसेस। इन सम सोर्सिंग नेगोशिएशन, कुछ सोर्सिंग नेगोशिएशन में टीम फ्रॉम बायर साइड, जो बायर साइड की टीम होती है वो इंगेज होती है विद ए टीम फ्रॉम द सप्लायर साइड नेगोशिएशन के लिए, जिससे कि वो आपकी बात को माने और ये अलाउ करता है फॉर ए बॉर्डर रेंज ऑफ एक्सपर्टाइज पर्सपेक्टिव और बार्गेनिंग पावर टू बी ब्राउट इन टू द नेगोशिएशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का प्रोसेस क्या है? नंबर वन है इसमें प्रिपरेशन, गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज, अंडरस्टैंड द नीड एंड इंटरेस्ट of both parties, define potential alternative and determine the negotiative strategy. जो process है negotiation का इसमें first step है preparation. Preparation में आप क्या करेंगे? Gather करेंगे number one पर relevant information को, set करेंगे अपना clear objective, identify करेंगे priorities क्या क्या हैं, समझेंगे need और interest दोनों parties का, define करेंगे आप potential alternatives और define करेंगे negotiation strategy. ये number one स्टेप है प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन में। नेक्स्ट है ओपनिंग। इनिशिएट द नेगोशिएशन विद ओपनिंग स्टेटमेंट, प्रेजेंट पोजीशन, गोल एंड की पॉइंट। सेट ए टोन फॉर नेगोशिएशन, अलाउ ईच पार्टी टू अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव। ओपनिंग में जो है आप इनिशिएट द नेगोशिएशन विद ओपनिंग स्टेटमेंट, जो आप जो है अपना स्टार्टिंग करेंगे नेगोशिएशन की आप ओपनिंग स्टेटमेंट से करेंगे। प्रेजेंट करेंगे पोजीशन, गोल और की पॉइंट। क्या क्या पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, हमारे क्या क्या गोल्स हैं और की पॉइंट्स क्या हैं। सेट द टोन फॉर द नेगोशिएशन, आप जो है एक सेट कर देंगे पॉइंट, टोन किस पॉइंट पर हमारी नेगोशिएशन होनी है। अलाउ करेंगे ईच पार्टी को, हर एक पार्टी दूसरी पार्टी को समझे, उनका क्या पर्सपेक्टिव है उसको समझने की कोशिश करें। बार्गेनिंग थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, एक्सचेंज प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल एंड कंसेशन, एंगेज इन डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, मेक ऑफर एंड नेगोशिएट टर्म एंड कंडीशन, एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शन एंड सीक क्लेरिफिकेशन, वर्क टुवर्ड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। जो बार्गेनिंग होता है इसमें एंगेज इन डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, आप एंगेज होंगे डिस्कशन और नेगोशिएशन में, एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शन एंड सीक क्लेरिफिकेशन,
और आप जो वर्क करेंगे टुवर्ड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, कॉमन गोल के लिए आप अपना वर्क करेंगे, फाइंड करने के लिए जो कॉमन प्रॉफिट हो, कॉमन पॉइंट हो, गोल हो, उसको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज क्लोजिंग, रीच एन एग्रीमेंट ऑन द टर्म, फाइनलाइज द डिटेल ऑफ द एग्रीमेंट, फॉर्मलाइज द एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट द एग्रीड अपॉन टर्म, रिव्यू द टर्म, ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल और सिग्नेचर। प्रिपरेशन करने के बाद ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद बार्गेनिंग, बार्गेनिंग के बाद क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होगा, आप एग्रीमेंट फाइनलाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे टर्म एंड कंडीशन वगैरह को, फॉर्मुलाइज करेंगे एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट एग्रीड अपॉन टर्म और ऑब्टेन करेंगे नेसेसरी अप्रूवल और सिग्नेचर को। यह होता है क्लोजिंग में। नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने क्लोजिंग में एग्रीमेंट में अपना काम लिखा है, जिस पर हमारा कॉमन गोल डिसाइड हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने के टाइम होता है। इम्प्लीमेंटेशन में फुलफिल ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन द एग्रीड अपॉन टर्म, मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एड्रेस एनी इशू दैट मे अराइज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज। स्किल्स फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशन, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि जरूरी हैं सक्सेसफुल नेगोशिएशन के लिए, तो आइए समझते हैं। नंबर वन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूडिंग एक्टिव लिसनिंग, क्लियर आर्टिकुलेशन एंड एबिलिटी टू कन्वे आइडिया एंड कंसर्न आर क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशन। नंबर वन स्किल है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल आप जो है एक्टिव लिसनर भी होनी चाहिए, जो आप दूसरे की बात को समझ सकें, वो क्या कहना चाह रहा है, दूसरे को बोलने का मौका दें और उसके बाद आप अपना उसको आंसर दें। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कन्वे करने की आइडिया और कंसर्न को, ये भी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशन का। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज प्रॉब्लम, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड कोलैबोरेट विद द अदर पार्ट टू फाइंड म्यूचुअल बेनिफिशियल आउटकम इज इम्पोर्टेंट इन नेगोशिएशन। आपके पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी हो आपके पास आइडेंटिफाई करने की और एनालाइज करने की प्रॉब्लम को, एक्सप्लोर करना अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को, कोई प्रॉब्लम है उसका हमारे पास सॉल्यूशन ए है बट वहाँ हमारा काम नहीं कर रहा, तो हम उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कैपेबल हों, और कोलैबोरेट विद अदर पार्टीज टू फाइंड म्यूचुअल बेनिफिशियल आउटकम इज इम्पोर्टेंट इन नेगोशिएशन। इमोशनल इंटेलिजेंस, बींग अवेयर ऑफ एंड मैनेजिंग वन इमोशन एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग and empathizing with the emotions of the other parties can help build rapport and foster negotiation environment. आपके पास emotional intelligence भी होनी चाहिए, दूसरे का क्या emotion है, किस तरीके की वो बात करना चाहता है, किस तरीके का वो emotional person है, उसी के according आपको बात करनी आनी चाहिए। Next है flexibility and adaptability. Negotiator can be open to different perspective, willing to explore creative solution and adaptable to changing circumstances and new information they may arise during the negotiation process. दो जो negotiator है वो जो है open होना चाहिए difference to perfect perspective के लिए, willing to explore क्रिएटिव सॉल्यूशन और अडेप्ट करने के लिए चेंजेस को और न्यू इन्फॉर्मेशन को जो कि अराइज हो ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस। प्रिपरेशन एंड रिसर्च, एडिक्वेट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर, गैदरिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्चिंग द अदर पार्टी इंटरेस्ट एंड पोजिशन एनहेंस नेगोशिएशन इफेक्टिवनेस। असर्टिवनेस, नेगोशिएटर शुड बी एबल टू असर्ट देयर नीड, express their interest clearly and advocate for their position while respecting the other party viewpoint. Obstacles to negotiation, क्या क्या obstacles हैं negotiation के लिए। Number one, limited information, lack of accurate and complete information hinders negotiation, it leads to misunderstand and misaligned expectation, difficulty in finding म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। अगर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी, लैक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और जो दोनों पार्टीज हैं वो डिफिकल्टी होगी दोनों को फाइंड करने के लिए म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन को। ये है नंबर वन ऑब्स्टेकल ऑफ नेगोशिएशन।
Second, divergent interests. Conflicting interests or goals create challenges in reaching agreement. Balancing diverging interests require negotiation and compromise. जब दोनों parties के जो है इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट करते हैं उस कंडीशन को जो है डाइवर्जेंट इंटरेस्ट कहा जाता है। दोनों के गोल्स जो हैं चैलेंज कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं चैलेंज रीचिंग थ्रू एग्रीमेंट। दोनों को एग्रीमेंट पोजीशन तक नहीं जाने देते, दोनों के गोल बिल्कुल अपोजिट होते हैं दोनों पार्टीज के। इसी कंडीशन को डाइवर्जेंट इंटरेस्ट कहा जाता है। थर्ड इज कम्युनिकेशन बैरियर। ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन हिंड्रेंस इफेक्टिव नेगोशिएशन। मिस इंटरप्रिटेशन, कल्चरल डिफरेंस और लैंग्वेज बैरियर कैन ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। ओवरकमिंग दिस बैरियर रिक्वायर एक्टिव लिसनिंग एंड क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है नेगोशिएशन में, क्योंकि अगर हमारी जो कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, वो दूसरे को समझ में नहीं आ रही, तो वो भी एक बैरियर का काम करती है। इससे ओवरकम करने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव लिसनर होने चाहिए और आपका जो कम्युनिकेशन हो वो क्लियर हो। फोर्थ है इमोशनल फैक्टर। स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन और ईगो नेगेटिवली इफेक्ट नेगोशिएशन। हमारा जो इमोशन है जैसे कि एंगर हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, ईगो हुआ, ये जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है नेगोशिएशन पर। इमोशनल रिएक्शन लीड टू इरेशनल डिसीजन मेकिंग एंड ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन। मैनेजिंग इमोशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशन। अगर आप जो है नेगोशिएशन को सक्सेसफुल चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इमोशन पर काबू रखना होता है। पावर इम्बेलेंस। सिग्निफिकेंट पावर इम्बेलेंस बिटवीन पार्टीज इन्फ्लुएंस नेगोशिएशन। द मोर पावरफुल पार्टी में डिक्टेट टर्म मेकिंग इट चैलेंजिंग टू अचीव ए फेयर एग्रीमेंट। टाइम कंस्ट्रेंट। लिमिटेड नेगोशिएशन टाइम रिजल्ट इन रश्ड डिसीजन एंड इनएडिक्वेट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन। कॉम्प्लेक्स इशू मे नॉट बी एड्रेस्ड थ्रोली। सफिशियंट टाइम एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशन। जो हमारा टाइम है, अगर वो लिमिटेड टाइम है और नेगोशिएशन हमारा सही से नहीं हो पा रहा है, तो ये भी जो है एक इशू है, ऑब्स्टेकल है नेगोशिएशन के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा कम्प्लीट रिविजन यूनिट 3 का, प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट का। फ्रेंड्स, और भी यूनिट के कम्प्लीट रिविजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी है। आप एक बार जरूर चेक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी सब्जेक्ट की कम्प्लीट रिविजन सीरीज सबसे पहले आपको मिल सके, चैनल पर अपलोड हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।